दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग एक बार फिर आपने YouTube चैनल डिफेंस एग्जाम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है हम लोग अपनी मैथ की टॉप 100 स्टार्टर्स की सीरीज कर रहे हैं, तो आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस बार आपका सिलेक्शन होकर रहेगा अगर आपने डिफेंस एग्जाम सब्सक्राइब कर लिया है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि यन बिंदु से खींचे जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या जबकि उनमें से यन बिंदु संरेख हो, तो उसके माने देखिए ट्रिक हम लोग केवल ट्रिक से ही पढ़ रहे हैं। तो होता है कि हमारा आंसर डायरेक्ट NC3 - MC3। तो क्योंकि जैसा कि आप सब लोग पता अगर यन बिंदु से खींचे जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी होती है NC3, लेकिन अगर उसमें से हमारी यम बिंदु संरेख हो जाता है हमें उन बिंदुओं को घटा देना होता है यानी कि MC3 कर देंगे। लेकिन इसमें प्लस माइनस वन नहीं करते क्योंकि इसमें कोई रेखा थोड़ी ना, क्योंकि त्रिभुज के लिए तीन बिंदुओं की आवश्यकता, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस वन नहीं किया जा सकता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, इसमें प्लस माइनस वन कुछ भी नहीं करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ तब आपको ट्रिक समझ में आएगी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 8 बिंदु से खींची जा सकने वाली त्रिभुजों की संख्या जबकि 5 बिंदु संरेख हो, तो डायरेक्ट हमें यन की वैल्यू दी है 8 और यम की वैल्यू दी है 5। तो डायरेक्ट हमारी ट्रिक क्या होती है NC3 - MC3, बस हमें ट्रिक लगा देनी है कि 8C3 - 5C3 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करना है जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करेंगे। तो 8 को 3 स्टेप नीचे ले जाएंगे, क्या लिखेंगे 8 × 7 × 6 अपान में 3 को 1 तक ले जाएं तो 3 × 2 × 1 का माइनस। अब 5 को 3 स्टेप नीचे लें तो 5 × 4 × 3 अपान में 3 को 1 तक लें 3 × 2 × 1 यहाँ तक आ गया। अब देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 6 डायरेक्ट यहाँ पर कट जाएगा, उसके बाद 3 से 3 कटेगा और 2 से 4 कटेगा, 2 टाइम कटेगा, तो 8 × 7 यहाँ पर 56 हो जाएगा और 5 × 2 = 10 हो जाएगा। जब 56 - 10 जाएगा तो बच्चे कितना 46 देख सकते हैं आप, हमारा आंसर कितनी आसानी से आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन लूसेंट में भी दिया गया है कि किसी तल में 10 बिंदु है जिसमें 4 रैखिक है, इसमें से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। 4 रैखिक का मतलब ही संरेखी होता है, तो यन की वैल्यू दी है 10, यम की वैल्यू है 4। तो डायरेक्ट हमारी ट्रिक क्या थी NC3 - MC3। अब हम लोग यहाँ पर 10C3 - 4C3 कर देंगे तो हमारा बस इसको हल्का था, 10 को 3 स्टेप नीचे 10 × 9 × 8 और 3 को 1 तो 3 × 2 × 1। अब 4 को 3 स्टेप नीचे तो 4 × 3 × 2 अपन 3 × 2 × 1। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 3 से 9 को काटेंगे 3 टाइम कटेगा और 2 से 8 को काटेंगे 4 टाइम कटेगा, तो 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 120 हो जाएगा और यहाँ पर केवल 4 बचेगा तो -4 हो जाएगा और 120 में जब हमारा 4 जाएगा तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना जाएगा 116। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं अगर आपने ये ट्रिक तैयार करी तो आप इसके क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको सिंपली याद क्या रखना, जो हमारी यम बिंदु से खींची जा सकने वाली त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है NC3 लगेंगे, अगर उसमें यम बिंदु संरेखा तो MC3 करते हैं और प्लस माइनस वन कुछ भी नहीं करते। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।